नेहा बजाज एंड वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। एक ऐसा शो जहां पर हमेशा मैं आपको मिलवाती हूँ सुपर स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर से, मेडिकल एक्सपर्ट से, जहां सवाल तो आपके होते हैं और जवाब स्पेशलिस्ट के होते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर मनोज गांधी से, हु इज अ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, ओबेसिटी स्पेशलिस्ट। कितने लोगों को उन्होंने ठीक किया है और फिलहाल डॉक्टर गांधी नर्सिंग होम में ये काम कर रहे हैं, इनका खुद का है ये। सो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं पेट की, और कहते हैं कि सबसे जो बड़ा एनिमी है, दुश्मन है, वो है मोटापा, यानी कि ओबेसिटी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ओबेसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और क्या देख के हम ये कहते हैं कि ये ओबीस कैटेगरी में आता है। मोटापा यानी ओबेसिटी एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसके शरीर में वसा की उच्च मात्रा के कारण उसका वजन बहुत अधिक बढ़ जाता है। जी, वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा एकत्रित हो जाती है, वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। यह आयु संभावना को भी घटा देता है। वजन बढ़ने की मुख्य वजह है हमारे पाचन तंत्र का गड़बड़ा जाना, जो कि गलत खान पीन और गलत आदतों की वजह से होता है। पाचन तंत्र गड़बड़ाने से हमारा खाना या तो ठीक से पच नहीं पाता या सड़ जाता है, जो कि शरीर में फैट के रूप में जमा होकर मोटापे की समस्या पैदा करता है। लोग तरह तरह की कोशिश करते हैं फैट को घटाने को, लेकिन उसको नियंत्रित तरीके से करेंगे तो ही उसको घटा सकते हैं। जो रूटीन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, BMI यानी बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स, जो वेट और हाइट लेके हम बताते हैं कि ये कितना मोटा है और इसमें क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, तो इसमें माइल्ड ओबेसिटी आती है, मॉडरेट ओबेसिटी आती है और सीवियर ओबेसिटी आती है। तो इस गाइडलाइंस के हिसाब से, जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गाइडलाइंस है, हम मोटापे को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर, हम आज बात कर रहे हैं ओबेसिटी की, तो अब हम अगर देखें लाइफस्टाइल ऐसा है, जंक फूड या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, बच्चों में ओबेसिटी की समस्या बड़ी आम होने लगी है, तो चाइल्डहुड ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बच्चों के मोटापे से बचाव करने से सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का है, खास करके आज के माता पिता। बच्चों को जितना हो सके घर का खाना दे, बाहर का खाना जंक फूड से बचाए। बच्चों को टीवी मोबाइल खेलने न दे, बल्कि बाहर खेल कूद करवाए। स्पोर्ट्स अगर बच्चों में हम बचपन से डालने लगेंगे तो मोटापे को शिकस्त दे सकते हैं। बच्चों को पौष्टिक व संतुलित आहार, घर का खाना देना बहुत जरूरी है। बच्चों को मीठी चीजें यानी चॉकलेट, आइसक्रीम, डिब्बा बंद कम देने की कोशिश करे। बच्चों को सुबह शारीरिक गतिविधियां करवाने की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। अगर ये हम बचपन से ही करने लगेंगे और घर से शुरुआत और स्कूल से शुरुआत करेंगे, तो आई थिंक बच्चों के मोटापे को कंट्रोल कर पाएंगे। Yes, तो ये जितनी भी बातें डॉक्टर ने हमें बताई कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं और आपको भी ख्याल रखना है अगर आपके घर में बच्चे हैं तो डॉक्टर गांधी, व्हाट इफ ओबेसिटी इज अनट्रीटेड, कैन इट लीड टू सर्टेन डायर कॉन्सिक्वेंसेस, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं? सी, रूटीनली यू नो ओबेसिटी इफ इट इज कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम से एडोलेसेंस टू द एज ऑफ 30 और 40, तो उन लोगों में कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, ब्रेथलेसनेस, फिजिकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस, नी में दर्द, ये सब चीजें, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, और एक बार ये शरीर में घुस गई तो वैसे भी वो ओबेज है, फिर उनकी लाइफस्टाइल सिडेंटरी हो जाती है और फिर इन बीमारियों को ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ओके, और डॉक्टर, हम कैसे ट्रीट करते हैं ओबेसिटी को? अब जो सीवियर ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं जिन्हें ट्रीट करना है, तो उन्हें कैसे ट्रीट किया जाए और क्या क्या ट्रीटमेंट्स फॉलो होते हैं, क्या मेडिसिन आते हैं इसके लिए भी? ये एक है ना, नियंत्रण ट्रीटमेंट होनी चाहिए ओबेसिटी की। अगर कोई पेशेंट ओबेस है
तो हम उसे पहले तो पेशेंट नहीं मानना चाहिए। ओके, फर्स्ट स्टेप इज लाइफस्टाइल, डाइटरी मॉडिफिकेशन, बिहेवियरल चेंजेस, फिजिकल एक्टिविटी। अगर पहले 6 महीने 1 साल कोई भी पर्सन इन सब चीजों पे ध्यान देता है तो कम से कम वो 10 किलो तो अपने वजन में घटा ही सकता है। फिर सेकेंड लेवल पर आती है मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन ज्यादातर जो दवाइयाँ है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो सब टेम्पररी वेट रिडक्शन के लिए है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म लेने पे उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है। तो वी वुड नॉट प्रेफर पेशेंट्स टू गो ऑन टू लॉन्ग टर्म मेडिकल ट्रीटमेंट। और सबसे आखिरी में आता है जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड आज की तारीख में बन चुका है, इस ओबेसिटी सर्जरी या बैरियाट्रिक सर्जरी जिसको हम कहते हैं। जी जी जी, ओके। वो सर्जरी से काफी मोटापा लोगों का कम हो सकता है, लेकिन जब तक हम पेशेंट का वर्कअप करके ये सब पहले लाइफस्टाइल बिहेवियरल चेंजेस नहीं करते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, तब तक हम उनको ओबेसिटी सर्जरी का ऑप्शन देते ही नहीं है। एंड वंस यू डिसाइड दैट यू हैव टू गिव हिम एन ओबेसिटी सर्जरी एज एन ऑप्शन, ही बिकम्स योर पेशेंट फॉर एटलीस्ट अनदर 1.5 ईयर आइडियली, क्योंकि उसके बाद फॉलोअप में उनकी वेट मॉनिटरिंग, उनकी मल्टीविटामिन्स लेवल्स शरीर की, वो सब थोड़ी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। बट इट बिकम्स अ वन शॉट सॉल्यूशन कि हाँ, अब अग्रेसिवली एक बार वेट रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने से वो फिर अपना वेट जो रिड्यूस हुआ है उसको मेंटेन कर पाएगा। जी, ओके। सो डॉक्टर, एक हम आपसे क्विक टिप्स लेना चाहते हैं। जितने भी लोग फिलहाल आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि ओबेसिटी से कैसे बचा जाए? सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल चेंजेस, मैंने जैसे कहा है। आप अगर इंसान रात को 8 घंटे सोता है और सुबह से अपनी एक्टिविटी चालू करता है जी, तो उसका शेड्यूल अच्छा होना चाहिए। उसने एक सुबह में आधे घंटे पौने घंटे का अपना जो भी मिनिमम वर्कआउट, मैक्सिमम वर्कआउट जो पॉसिबल है अपनी बॉडी और फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, वो करनी चाहिए जी। अपनी डाइट रिड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, बट उसको मॉडिफाई जरूर किया जा सकता है कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है और डिनर में क्या खाना है। इट इज अ सिंपल कैलकुलेशन। आप अगर जितना खाओगे उतना बहाओगे तो अपने आप वजन आपका मेंटेन रहेगा, वजन बढ़ेगा नहीं। सो आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, फाइबर लीजिए, फल फ्रूट खाइए, वेजिटेबल सूप्स ले सकते हैं, लिक्विड्स का प्रमाण अपना शरीर में अच्छा रखो, फ्रूट्स जूसेस सब बंद कर दो। ये जो जूसेस है वो बहुत हानिकारक होते हैं शरीर के लिए। जूसेस भी बनाते हैं क्या, वो भी हानिकारक है, या सिर्फ कैन जो मार्केट वाले जूसेस हैं उनकी बात कर रहे हैं? मार्केट कैन जूसेस तो डेफिनेटली हानिकारक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। घर पे भी अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं होल फ्रूट्स खाना चाहूंगा। I would prefer not to have the juices because juice एक ऐसी चीज हो गई है ना कि वो आसानी से हो जाता है। आपने जूस बना लिया, 2 मिनट में पी लिया, काम खत्म हो गया। फ्रूट्स आपको चबाना होता है, तो जब तक आप खाना प्रॉपरली चबाएंगे नहीं तो नीचे डाइजेस्ट कैसे होगा प्रॉपरली? और जो मेन पल्प रहता है, फाइबर रहता है फ्रूट का, वो तो आप सब निकाल देते हो और जूस पी लेते हो। तो वो एक ईज है लोगों का कि आप जाके बाहर दुकान में जाके एक पैसे दे के जूस बना लेते हो और जूस पी के कि मैंने आज जूस पी लिया अच्छा हो गया। बट आई वुड प्रेफर दैट ग्रेप्स है, एप्पल है, ऑरेंजेस है, बनानास है, यू शुड हैव होल ऑफ देम, होल फ्रूट्स, नॉट जूसेस। ओके, सो डॉक्टर गांधी के साथ अब हम खेलने वाले हैं रैपिड फायर सेगमेंट ऑन ओबेसिटी। सो डॉक्टर गांधी, स्किपिंग डिनर फॉर ओबेसिटी इज अ बिग यस और अ बिग नो? इट्स अ नो, यू डोंट हैव टू स्किप डिनर, यू कैन रिड्यूस द क्वांटिटी। ओके, अच्छा, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम चावल खाना छोड़ दें तो हम पतले हो जाएंगे। राइस से आपका वेट गेन होता है, इट्स अ यस और नो? Not necessarily if the right kind of rice is eaten and in proper small quantity it is eaten. So you don't have to reduce any of your food item. Okay. The quantum and the quality has to be improved. Definitely. Okay. So mera chautha sawal hai, main quickly aapse poochti hu ki banana se weight gain hota hai ya ye bhi ek myth hai? Yes or no? Myth. Okay. So it is a myth.
तो आप बनाना खा सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा, हंगर सप्रेसेंस आ गए हैं मार्केट में कि वो ब्रेकफास्ट शेक्स हैं, आपने वो पिया तो पूरे दिन भूखी लगेगी। सो अकॉर्डिंग टू यू, एनी हंगर सप्रेसेंस आर सेफ, यस और नो? दे आर नॉट सेफ ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। टेम्पररी दे कैन बी टेकन फॉर अ फ्यू डेज, बट नॉट एट ऑल ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मनोज गांधी, आप हमारे शो में आए और आपने इतनी सारी चीजें बताई। तो देखिए, अगर आपने चावल ना खाने की कसम खा रखी है तो उसे तोड़ दीजिए, बिकॉज ये बड़े सारे मिथ्स हैं जो डॉक्टर गांधी ने यहाँ पर बस्ट किए हैं। और अपना वेट कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आगे चलकर कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर गांधी, आप हमारे जी मनी हेल्थ शो में आए और इतनी अच्छी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने सबके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर। सो गाइज, मैं नेहा बजाज लेती हूँ आपसे विदा और मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड में नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो, अच्छी सेहत हमारा वादा। और हाँ, हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।